Assalamualaikum. I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So kids, aaj hum start kar rahe hain Gohar English textbook grade 4 ka unit number 11 jiska naam hai Healthy Habits Pledge. Ye ek poem hai. So let's see ki ye poem hame kya batati hai. Page number 114. पोम की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं नीचे, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है? खाने की आदत, हेल्दी हैबिट्स, जो आप अच्छा खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा, और इसके अलावा हेल्दी रहना आपकी ना सिर्फ सेहत के लिए बल्कि बीमारियों की रोकथाम के लिए, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव टू पेज 115 और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Healthy Habits Pledge. I pledge to stay healthy and clean through exercise and good hygiene. हम सेहतमंद और साफ रहने का अहद करते हैं वर्जिश और अच्छी हफ्जान सेहत के जरिए. I will eat balanced meals every day to have more energy to learn and to play. हम रोज मुतवाजन ग़िज़ा खाएंगे सीखने और खेलने के लिए, ज़्यादा तवानाई हासिल करने के लिए. Every night I will get a good rest to be more ready to do my best. Har raat hum acha aaram hasil karenge apni puri koshish karne ke liye ki hum mazid taiyar reh saken. If I work hard to be healthy and strong, I will be happier my whole life long. Agar hum sehatmand aur mazboot rehne ke liye mehnat karenge, hum apni puri zindagi khush rehenge. Mera khayal hai aapko ye samajh aa gaya hoga ki ye poem aapko अच्छी हैबिट्स यानी हेल्दी हैबिट्स, सेहतमंद आदतें अपनाने को कह रही है कि आप खाएं अच्छा तो आप काम भी अच्छा करेंगे, अगर आप वर्जिश करेंगे तो आप सही रहेंगे. कमज़ोर होना या मोटा होना दोनों ही अच्छा नहीं होता. अब आप मुझे बताइए कि मतवाजन गज़ा क्या होती है? व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आप अपना हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी फूड की तरफ रखें, मतलब जंक फूड जैसे चिप्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, केक, ये वो चीज़ें हैं, स्वीट्स, कैंडीज़ जो आप कम से कम इस्तेमाल करें. फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, हर तरह की मीट खाएं. सो अपने खाने में प्रॉपर खाना रखना, दूध मत भूलिएगा कि आपकी ग़िज़ा का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने ये पॉइंट में सर डिस्कस कर लिया है, अब आप अपनी हेल्दी हैबिट्स 5 to 6 सेंटेंसेज में अपनी नोटबुक पर लिखेंगे. चीटिंग कोई नहीं करनी, और जो अच्छी हैबिट आपके पास है सिर्फ वही लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 116, सेक्शन ए है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. इसमें हम फोकस करेंगे प्रोनाउंसिएशन पे. सो लॉन्ग यू एंड शॉर्ट यू साउंड. सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग यू की. उसमें आ जाएगा क्यूब, फिर आ जाएगा क्यूट, यूज, ह्यूज, ट्यूब, यूनिट, यूनिफॉर्म, ड्यून. अब शॉर्ट यू में आएगा कब, कट, अस, हग, टब, अप, अंडर, डल. लेट्स मूव टू पेज नंबर 117. अब उन्होंने आपको कहा है कि अग्री और डिसअग्री, मतलब किसी बात से मुत्तफिक होना या उससे इख्तलाफ़ राय रखना, आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं. क्वेश्चन बी सेज पुट दीज फ्रेजेज इन द करेक्ट कॉलम. नीचे अग्रींग और डिसअग्रींग के दो कॉलम्स हैं, अब आप भी साथ साथ लिखते जाइए. अगर आपको लगता है कि मेरे साथ बोलते हुए आप नहीं लिख सकते तो एक सेंटेंस सुन के वीडियो पॉज करें और फिर आगे चलें. मे बी यू गॉट अ पॉइंट देयर. I agree. I think you are right. Yes, definitely. Disagreeing वाले कॉलम में आएगा I think I disagree. I'm not so sure. Don't get me wrong, but I don't think so. I'm not convinced. अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपको ये बताती है कि अगर आपने किसी के सामने अपनी राय रखनी है तो आपको किस तरह बात करनी चाहिए. ये अच्छा नहीं होता कि आप दूसरे को एक्यूज़ करेंगे, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, दूसरे को कहें तुम गलत हो. बात कहने का सही तरीका अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर आप किसी की राय से इख्तलाफ रखते हैं, सो यू डोंट से डायरेक्टली ओ नो 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 यू आर रॉन्ग, ओ नहीं ये नहीं हो सकता. नो, यू से आई थिंक आई डिसएग्री, या यू डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई थिंक अदरवाइज. सो ये वो चीज़ें हैं जिस तरीके से आप अपनी बात पोलाइटली दूसरे तक पहुँचा सकते हैं. आई होप आपको ये ग्रामर का सेक्शन समझ आ गया होगा. मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.